I saw him with my name is Hamza and today he is our first lecturer of accounting. आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप एडमिशन के बारे में, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। पाकिस्तान में पार्टनरशिप 1932 एक्ट के तहत कायम की जाती है। लिहाजा हर वो कारोबार जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट के तहत कायम किया जाए पार्टनरशिप कहलाता है। दो या दो से ज्यादा अफराद मिलकर अगर किसी भी काम को मुनाफे के लिए शुरू करें तो ये काम पार्टनरशिप कहलाएगा। अब जब बात मुनाफे की आ रही है तो उस मुनाफे को रिकॉर्ड करना भी बहुत जरूरी है, और रिकॉर्डिंग के लिए अकाउंटिंग से बेहतर कुछ नहीं। अकाउंटिंग में हम पार्टनरशिप की ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं आज हम समझेंगे, लेकिन उसमें अकाउंटिंग में पार्टनरशिप की ट्रीटमेंट मुख्तलिफ मराहिल में की जाती है। जैसे जब पार्टनरशिप फॉर्म की जाती है जिसे हम पार्टनरशिप फॉर्मेशन कहते हैं, जब एक नया पार्टनर कारोबार में शामिल होता है जिसे पार्टनरशिप एडमिशन कहते हैं, जब प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जिसे प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, जब एक पार्टनर को कारोबार से रिटायर किया जाता है या कोई पार्टनर कारोबार से जा रहा होता है तो इसे हम पार्टनरशिप रिटायरमेंट कहते हैं, या पार्टनरशिप कारोबार वाइंड अप हो रहा होता है इसे हम पार्टनरशिप लिक्विडेशन कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्टनरशिप फॉर्मेशन के हवाले से, किस तरीके से पार्टनरशिप फॉर्म की जाती है, और आज हम समझेंगे जानेंगे देखेंगे कि किस तरीके से पार्टनरशिप एक फॉर्म की जाती है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट क्या होती है। तो बेसिकली पार्टनरशिप फॉर्मेशन में दो या दो ज्यादा अफराद मिलकर एक पार्टनरशिप को फॉर्म करते हैं। किस तरह करते हैं चलिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो शख्स है, मिस्टर ए मिस्टर बी। इन दोनों अफराद के पास कुछ कैश अमाउंट मौजूद है। लेट्स सपोज ए के पास 40,000 और बी के पास 50,000 रुपीज मौजूद है। इन्होंने सोचा कि पार्टनरशिप स्टार्ट की जाए, कि चलिए पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। तो ये दोनों अफराद इनमें से कुछ अमाउंट या म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत ये सारी अमाउंट लेकर इन पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। तो इनकी जो फॉर्म बन गई वो बन गई ए बी, और इनके पास जो टोटल अमाउंट अवेलेबल है 90,000 रुपीज। तो इनके पास 90,000 का कैश अवेलेबल है। इन्होंने किया क्या कि अपने तमाम एसेट्स को एक साथ कंबाइन कर दिया ये और एक पार्टनरशिप को फॉर्म किया। पार्टनरशिप को एक और एग्जाम्पल से भी समझते हैं। फर्स्ट करें आपके मोहल्ले में दो दूध की दुकानें, एक दुकान मिस्टर ए की है और एक दुकान मिस्टर बी की है। होता क्या था, कुछ फर्द मिस्टर ए के पास जा रहे थे दूध लेने के लिए, कुछ फर्द मिस्टर बी के पास जा रहे थे दूध लेने के लिए। तो कस्टमर क्या थे, डिवाइड हो रहे थे। तो मिस्टर ए ने और मिस्टर बी ने सोचा कि क्यों ना हम मिलकर कारोबार स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्द अपने अपने एसेट्स अपने अपने सामान को लेकर आए और इन्होंने मिलकर एक दुकान उसी मोहल्ले में ओपन की जो साइड में पड़ी थी, जिसकी वजह से अब कस्टमर सारा का सारा इनकी तरफ मूव कर, क्योंकि साइड में दुकान बड़ी थी तो अब दूसरे मोहल्ले से लोग भी आकर इनके पास दूध देने लगे। तो पार्टनरशिप फॉर्म क्यों की जाती है, ताकि कंपटीशन को खत्म किया जा सके। और पार्टनरशिप फॉर्म करने में होता क्या है कि वो तमाम अफराद वो तमाम बिजनेसमैन पर जो कि सेपरेट बिजनेस कर रहे होते हैं अपने अपने एसेट्स को लेकर कारोबार में आ जाते हैं। अकाउंटिंग में इसकी ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं, क्वेश्चन में कौन सी रिक्वायरमेंट्स आती है चलिए समझते हैं। जो पहली रिक्वायरमेंट जो इसमें आपके पास होती है वो टोटल पार्टनरशिप फर्म का कैपिटल आपके पास दिया हुआ होता है, और एक शख्स का एक पार्टनर का कैपिटल मिसिंग होता है तो वो आपको कैपिटल मालूम करना होता है उस पर्टिकुलर शख्स का, उस पर्टिकुलर पार्टनर का। बाद में इस तरह भी होता है कि एक पार्टनर का कैपिटल आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, टोटल फर्म का जो रेशियो है जो इंटरेस्ट है वो बताया जाता है,
और फिर आपको कहा जाता है कि टोटल फर्म का कैपिटल कैलकुलेट करें। अब क्योंकि मैंने आपको कहा कि रिकॉर्डिंग करते हैं हम इसमें पार्टनरशिप के तमाम काम की और बताते हैं कि भाई प्रॉफिट है कितना, लॉस है कितना, तो यहाँ फॉर्मेशन की भी रिकॉर्डिंग की जाती है और रिकॉर्डिंग करने के लिए जनरल लेवल को यूज किया जाता है। इसके बाद जब एक न्यू पार्टनरशिप फॉर्म हो गई तो उस न्यू पार्टनरशिप की इनिशियल बैलेंस शीट के बारे में भी रिक्वायरमेंट आती है कि न्यू पार्टनरशिप क्या इनिशियल बैलेंस शीट क्रिएट करे। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स में ये तमाम रिक्वायरमेंट्स मौजूद होती हैं या इनमें से कुछ रिक्वायरमेंट्स मौजूद होती हैं, तो पार्टनरशिप फॉर्मेशन के प्रोसेस में हम ये तमाम काम देखते हैं, समझते हैं और फिर करते हैं। तो पार्टनरशिप फॉर्मेशन की जब हम अकाउंटिंग प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं तो इसमें हमें ये काम करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला रिक्वायरमेंट्स में से कुछ रिक्वायरमेंट्स को सॉल्व करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।